गिरिपार में जातिवाद फैलाने के लिए पूर्व मंडल अध्यक्ष ने की कांग्रेस विधायकों की निंदा। विजय सिंह पुंडीर ने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर डिप्यूटी स्पीकर व कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी के पिता का नाम लेते हुए लगाए आरोप। हाटी समिति में शामिल होने के बाद पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस रेणुकाजी मंडल के पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रह चुके विजय सिंह पुंडीर को पार्टी ने किया था निष्कासित। हरिपुर धार में हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मी चंद कमल ने ली समिति की स्थानीय इकाई की बैठक। एसटी सर्टिफिकेट इशू होने पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अगला कदम उठाएगी समिति। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हाटी समिति के समर्थन के बावजूद पार की शिलाई पर रेणुका सीट हार गई थी भाजपा। कांग्रेस रेणुकाजी मंडल के पूर्व अध्यक्ष व बीडीसी संगड़ा के चेयरमैन रह चुके विजय सिंह पुंडीर ने गिरिपार में कांग्रेस विधायकों पर जातिवाद फैलाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गिरिपार वासियों की 55 साल पुरानी मांग सिरे चढ़ने के बाद कांग्रेस विधायकों ने 2022 के असेंबली इलेक्शन में गिरिपार में जातिवाद फैलाया और इसके बाद एससी कम्युनिटी के साथ हाटी समिति में मौजूद अपर कास्ट के लोगों को भी बांटने की कोशिश की। पुंडीर ने कहा कि कांग्रेस में मंडल अध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष जैसे पदों पर रहने के दौरान उन्होंने उद्योग मंत्री एवं शिलाई के विधायक हर्षवर्धन के पिता गुमान सिंह, एमएलए रेणुका एवं डिप्यूटी स्पीकर विनय कुमार के पिता प्रेम सिंह तथा कांग्रेस द्वारा शिमला से लोकसभा चुनाव में उतारे गए विनोद सुल्तानपुरी के पिता केडी सुल्तानपुरी के लिए एक के बाद एक कई चुनाव में काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में जहां पार्टी के ये तीनों वर्तमान विधायक व इनके पिता गिरिपार को एसटी स्टेटस का समर्थन करते थे, वहीं 2022 में प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार ने जैसे ही मांग को सिरे चढ़ाया, गिरिपार के विधायकों ने इस मुद्दे पर हाटी समिति व क्षेत्र के एससी व अपर कास्ट के लोगों में खाई पैदा करना शुरू की। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद भी हाटी समिति को तोड़ने की कोशिश की गई और इसके बाद ओबीसी व जनरल कैटेगरी में आने वाले इलाके के खश राजपूत व भाट ब्राह्मण समुदाय में दरार डालने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान वह गिरिपार के 154 पंचायतों में इस मुद्दे को उठाएंगे और जनता से इंसाफ की मांग करेंगे। उपमंडल संगड़ाहत व रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरिपुर धार में आज हाटी समिति की स्थानीय इकाई की बैठक की अध्यक्षता सेंट्रल कमेटी प्रेसिडेंट डॉक्टर अमी चंद कमल ने की और इसमें कुंदन शास्त्री व मेलाराम शर्मा आदि समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर अमी चंद ने कहा कि हाटी समुदाय के लोगों को एसटी सर्टिफिकेट पर लगाई गई रोक के मामले में 27 मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर उनकी नजर रहेगी और यदि सर्टिफिकेट पर रोक बरकरार रही तो इस मामले में समिति सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गौरतलब है कि विजय सिंह पुंडीर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष रहने के साथ साथ पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हाटी समिति की गतिविधियों में शामिल हुए पुंडीर को एंटी पार्टी एक्टिविटी के आरोप में कांग्रेस से निष्कासित किया गया है। मैंने किया कि जो तीन परिवार है, ठाकुर गुमान सिंह जी, आपके डॉक्टर प्रेम जी और के डी सुल्तानपुरी जी, इसलिए मैंने इनका जिक्र किया कि इनके प्रति हाटियों का और व्यक्तिगत रूप से हमारा बहुत रोष है कि हमने इन्हीं के लिए काम किया है। और आज जिस प्रकार की चर्चाएं होती है, जिस प्रकार की हमारे पर बातें की जाती है और जिस प्रकार से हाटी समुदाय को लड़ाया गया है, जातियों में बांटा गया है, चाहे हरिजनों की बात है, चाहे ओबीसी की बात है, चाहे आपकी खश की बात है, चाहे कनाज की बात है, ये जो जाति बात का तो यहाँ पर इतना बड़ा जो ये मतलब आंदोलन के रूप में इन्होंने यहाँ पिछले चुनाव में भी किया और अब भी कर रहे, हम इस बात का बड़ा अफसोस है और बड़ा हम खेद प्रकट करते रहो, इस बात का रोष प्रकट करते रहो। हम सब हाटी लोग जो है अपना रोष लेके इस वक्त जो है जनता के दरबार में जाएंगे और जनता से न्याय मांगेंगे, इंसाफ मांगेंगे। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है और अगर हमारे अन्याय का अगर इंसाफ होगा तो आपकी जो अभी 4 तारीख को जो आपकी एवीएम खुलेगी उससे पता लगेगा कि भाई यहाँ पर जो है आप लोगों ने जो है हमें क्यों पिछड़वा रखा है। आज हमारे बंगाली माता के परिसर में हाटी समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय हाटी समिति के कार्यकारिणी सदस्य और जितनी हमारी 5 ब्लॉक यूनिटें हैं, 5 क्षेत्रीय यूनिटें हैं, 5 तहसील यूनिटें हैं, सभी जगह से प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और विस्तार से चर्चा हुई, हर पहलू पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से पहला एजेंडा हमारा यही था कि जो हमारे पास इनकम है, आय व्यय का जो ब्यौरा है वो प्रस्तुत किया गया सबके सामने और हाटी मुद्दे पर जो हमारा कोर्ट केस चला है उस रिट पिटीशन की जो हमारी जवाब की तैयारी है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई हर पहलू पे कि कैसी तैयारी हाटी समिति ने की है और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के साथ हमारा क्या संवाद चल रहा है ताकि आने वाले जो 27 तारीख को जो हमारी अगली पेशी है हाईकोर्ट शिमला में उसको सही ढंग से हम वहाँ उसमें अपना जवाब तैयार दे सकें। तो हाटी समिति ने जो उसके लिए तैयारी की है वो सारी तैयारी
की जो रिपोर्ट है वो आज सभी सदस्यों के साथ शेयर की गई। और एक निर्णय आज ये हुआ, क्योंकि हमारा जो वर्तमान हाटी समिति है इसका कार्यकाल काफ़ी हो गया था, तो हमारे चुनाव भी ड्यू थे, तो सभी ने सर्वसम्मति से आज ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो वर्तमान हाटी समिति है कार्यकारिणी में जो जो भी पदाधिकारी हैं, यही पदाधिकारी अगले उस कोर्ट के निर्णय आने तक काम करेंगे और यही कार्यकारिणी आगे भी बरकरार रहेगी। इसी तरह हमारे जो ब्लॉक यूनिटें हैं वो भी इसी तरह बरकरार रहेगी, तो यही बॉडी आगे काम करती रहेगी।